हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हैं और अपने डेली प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए है, बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टॉप 10 हाई प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज, जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने डेली प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स को बड़ी ही आसानी से पूरा कर पाएंगे। और ये जो फूड आइटम्स हैं इन्हें मैंने 100 ग्राम रॉ मेजर किया है ताकि हम इन्हें इजीली कंपेयर कर सकें। विद दैट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 पे है पीनट बटर। पीनट बटर एक अच्छा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बल्किंग करना चाहते हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और वो इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसमें फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अगर मैं 100 ग्राम पीनट बटर की बात करूँ तो उसमें आपको मिलेगा 23 ग्राम प्रोटीन, 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 51 ग्राम इसमें फैट होता है, और टोटल कैलोरीज इसमें होती हैं 588। तो ये काफ़ी कैलोरी डेंस फूड है। तो अगर आप कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट में हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी है बड़ी वाइजली यूज करें, नहीं तो आप इजीली कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं। नंबर 9 पे है चिकपीज, यानी कि छोले। चिकपीज एक अच्छा वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, और प्रोटीन के साथ साथ इसमें आपको मिलेगा हाई फाइबर, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें ना तो सैचुरेटेड फैट होता है, ना ही कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिंस होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन इसमें कार्ब्स कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो आपके लिए शायद ये अप्रोप्रिएट फूड नहीं है। और 100 ग्राम चिकपीज में आपको मिलेगा 20 ग्राम प्रोटीन, 61 ग्राम इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और 6 ग्राम इसमें आपको फैट मिलेगा, और टोटल कैलोरीज इसमें आपको मिलेंगी 364। नंबर 8 पे है लेंटिल्स, यानी कि दालें। दालें सारी हेल्दी होती हैं क्योंकि इनमें आपको हाई प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ में इसमें मिलता है आपको हाई फाइबर जो आपके बोन मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ इसमें ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ना ही इसमें फैट होता है, और बहुत सारे ऐसे विटामिंस और मिनरल्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें भी अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और 1 ग्राम इसमें फैट होता है, और ओवरऑल कैलोरीज आपको मिलेंगी 351। नंबर 7 पे है मूंग बीन स्प्राउट्स। बहुत सारी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जब भी हम किसी ग्रेन या बीन को स्प्राउट करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो चेंज होती है और वो और भी हेल्दी हो जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग मूंग बीन को स्प्राउट करने पे उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो 30% बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज 15% कम हो जाती हैं, और उसका जो फाइबर है वो भी बढ़ जाता है। अगर हम इस स्टडी को बेसिस लेके चलें तो 100 ग्राम मूंग बीन को स्प्राउट करने पे हमें मिलेगा 32 ग्राम प्रोटीन, 52 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम फैट और टोटल 294 कैलोरीज। नंबर 6 पे है किनवा। किनवा एक एंशियंट ग्रेन है लेकिन आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि कुछ ही ऐसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, और किनवा उनमें से एक है। और 100 ग्राम किनवा में आपको मिलेगा 13 ग्राम प्रोटीन, 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 6 ग्राम फैट और टोटल कैलोरीज 378। नंबर 5 पे है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट ऑफ कोर्स एक मिल्क प्रोडक्ट है, यानी कि एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, इसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, और ये ऑलमोस्ट हमारे रेगुलर दही की तरह ही है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमारे रेगुलर दही से ऑलमोस्ट डबल होता है। तो अगर मैं 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट लेता हूं तो उसमें मुझे मिलता है 8 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फैट और टोटल कैलोरीज 78। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कम कैलोरीज होती हैं, तो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए। नंबर 4 पे है पनीर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पनीर जो है वो मिल्क से बनता है, और ये प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है, और कैल्शियम भी इसमें काफी भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पनीर के साथ ये है कि इसमें फैट कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है, और जो फैट इसमें होता है वो मेजरली सैचुरेटेड फैट होता है जो आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 20 ग्राम इसमें आपको फैट मिलेगा और टोटल कैलोरीज 265। तो अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये बेस्ट प्रोटीन सोर्स नहीं है। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में है तो इसकी जो क्वांटिटी है उसे आप अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग ले, नहीं तो आप इजीली कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। नंबर 3 पे है टोफू। टोफू जो है वो सोयाबीन से बनता है, यानी कि एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स, इसे हम सोयाबीन का पनीर भी बोलते हैं। ये आपके पनीर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जैसा कि पनीर होता है,
और दूसरी बात, इसमें जो फैट कंटेंट होता है वो पनीर से काफी कम होता है और कैल्शियम का भी काफी अच्छा सोर्स है। तो सारी जो प्रॉपर्टी आपके पनीर की है वो इसमें आपको मिल रही है। और 100 ग्राम टोफू में आपको मिलेगा 17 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम इसमें या 2 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, 7 ग्राम इसमें आपको फैट मिलेगा और टोटल कैलोरीज 110। तो आप देख सकते हैं कि पनीर के कंपैरिजन में इसमें कितनी कम कैलोरीज हैं, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट काफी कम है। नंबर दो पे है सोया चंक्स। सोया चंक्स ऑफ कोर्स ये भी सोयाबीन से बना है, इसे हम सोया बड़ी बोलते हैं और बहुत ही अच्छा सोर्स है ये प्रोटीन का, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो भी काफी मीट जैसा होता है। तो अगर आप मीट नहीं खा पाते हैं या आप मीट नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो प्रोटीन है वो भी कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें भी सारे एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं और कैल्शियम का भी काफी अच्छा सोर्स है। तो आप इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। 100 ग्राम सोया चंक्स में मुझे मिलेगा 52 ग्राम प्रोटीन, 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम फैट और टोटल कैलोरीज 345। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो सोया चंक्स होते हैं, सोया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो हो जाता है और मेन को काफी प्रॉब्लम होती है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है या उनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। गाइस, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने ये चीज प्रूव किया है कि इसका कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होता है, और उसका जो लिंक है स्टडी का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आ गए हम नंबर वन पे, और नंबर वन पे है वे प्रोटीन। गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हैं और एक बेस्ट प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं तो वे प्रोटीन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन सभी एस्पेक्ट में बेस्ट है। इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम होता है और फैट भी इसमें काफी कम होता है, और इसकी जो कैलोरीज है वो भी काफी मॉडरेट होती है। अगर मैं 100 ग्राम वे प्रोटीन लेता हूं तो उसमें मुझे मिलता है 78 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम्स ऑफ फैट और टोटल कैलोरीज 360। तो आप देख सकते हैं कि काफी लीन सोर्स है और काफी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सबसे अच्छी बात है वे प्रोटीन की, इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 100%, यानी कि पूरा का पूरा प्रोटीन आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है, इसलिए ये आइडियल सोर्स है पोस्ट वर्कआउट के लिए। और एक और चीज, वे प्रोटीन जो है वो दो तरीके के मेनली होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेट, दूसरा होता है आइसोलेट। कॉन्सेंट्रेट होता है वो थोड़ा लेस प्योरिफाइड होता है, उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट फैट थोड़ा ज्यादा होता है, बट जो आइसोलेट होता है वो काफी प्योर फॉर्म है, उसका जो प्रोसेस है उसमें ये फैट और कार्ब को काफी कम कर देते हैं और जो बचता है वो प्योर प्रोटीन बचता है। तो अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वे प्रोटीन जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आपके लिए बेस्ट सोर्स है अगर आप वेजिटेरियन हैं। इनफैक्ट अगर आप वेजिटेरियन नहीं भी हैं तो भी आपके लिए बेस्ट सोर्स है, क्योंकि ये काफी अच्छा एब्जॉर्ब होता है और इसका जो प्रोटीन कंटेंट है काफी ज्यादा होता है। सो गाइस, ये जो 10 वेजिटेरियन हाई प्रोटीन सोर्सेज मैंने आपको आज बताए हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आई एम श्योर कि आप अपने डेली प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स को बड़ी ही आसानी से पूरा कर पाएंगे। और इन प्रोटीन सोर्सेज को अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करना है, उसके लिए मैंने 3 डाइट के वीडियोस बनाए थे, आप उन्हें रेफर करके अपने डाइट प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।